अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपने अकाउंट किस तरीके से बनाने हैं? सबसे पहले तो ये पिंटरेस्ट का वर्क है, ये किस तरीके से होगा? ये सिर्फ कॉपी पेस्ट का काम है, और आपने किस तरीके से करना है? आपने सिर्फ कॉपी करना है और उठा के पेस्ट कर देनी है। अकाउंट्स 100 होने चाहिए, जो मेंबर भी काम करना चाहते हैं वो 100 अकाउंट एक माह के अंदर मस्टली उन्होंने बनाने हैं। कोई मुझे ये ना कहे कि मेरे इतने अकाउंट बन गए हैं, 5-6 नहीं ना, मतलब बार बार नहीं किसी ने मुझसे पूछना। और सबसे पहले आपने क्या करना है, ये है क्रोम प्रोफाइल जनरेटर, इसको डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप क्या करेंगे, इसको रन कर लेंगे। रन करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे ना, तो आपको इसी के ऊपर सारे ब्राउज़र मिल जाएंगे कि आपने किस तरीके से ब्राउज़र बनाने हैं। इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं, इस वजह से मैं यहाँ पर नहीं बनाऊँगी। अगर आपने 1 से 10 बनाने हैं तो यहाँ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बन आ जाएंगे। फिर आपने क्या करना है, एक यहाँ पर फोल्डर बनाना है, न्यू पर जाना है और यहाँ पर आपने एक फोल्डर बना देना है। और इस तरीके से आपके पास ये एक फोल्डर बन जाएगा, आपने उसको नाम रिंग नेम कर देना है एक्टिव अकाउंट के साथ। और फिर इसके अंदर आपने सारे जो भी आपने ब्राउज़र बनाए होंगे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फर्स्टली मैं अकाउंट आपको बनाना सिखा देती हूँ किस तरीके से करना है। पहले ये 004 वैसे नाम है, मतलब ये ब्राउज़र है बनाया हुआ, अभी ये एक्टिव नहीं था, तो अब इसको एक्टिव करने लगी हूँ। तो किस तरीके से है, बल्कि यहाँ से टेम्प ईमेल पर जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेम्प ईमेल, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे Pinterest business, ठीक है, Pinterest business लिख दिया, इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ से टेम्प ईमेल ली। यहाँ से जो भी टेम्परेरी ईमेल लेनी है वो यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर देनी है। आप कोई भी रैंडमली भी वहाँ पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये अकाउंट डीएक्टिवेट होते रहते हैं। ये कोई मसली नहीं है कि अब आपने जो अकाउंट बनाया है वो हमेशा ही सर्वाइव करेंगे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको रन कर रहे हैं। कोई इसके ऊपर ऐसी इररेलीवेंट आप जो है इमेज मत ना लगाएं। अगर आपकी नीड जो है फैशन है, नेल्स के बारे में है, कपड़ों के बारे में है, कारों के बारे में है, घरों के डेकोरेशन के बारे में है, वॉलपेपर के बारे में है, तो आपकी उसी से रिलेटेड ही सारी इमेजेस आपने लगानी है, ठीक है। आपने फर्स्टली क्या करना है, साइनअप पर जाना है, और साइनअप पर जाने के बाद आपने यहाँ से ये ईमेल ले लेनी है। एक तो आप यहाँ से ईमेल ले सकते हैं, यहाँ से लेके और आपने अकाउंट बना लेना है। ये जितनी देर भी अकाउंट आपका चलेगा उतनी देर ये चलेगा, अकाउंट डीएक्टिवेट होते रहते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, डेली 5 अकाउंट बनाने हैं। पिछले जो आपके अकाउंट होंगे, जैसे आपने कल अकाउंट 5 बनाए थे, तो वो आपके अकाउंट मतलब पड़े हुए हैं, और बाकी आपने मजीद अकाउंट आपने डेली जो है टर्न आपने बनाने हैं। और उसके बाद क्या करना है, मैंने सबके अकाउंट के ऊपर वर्किंग जो है वो उसको देखना है। ये 3 माह आप लोगों ने काम करना है, जो काम करना चाहेगा वो मुझे बता दे, जो नहीं, क्योंकि बार बार मैंने किसी को सेपरेटली नहीं सिखाना, और जिसको नहीं समझ आएगी वो पूछ सकता है, लेकिन ये भी नहीं है कि बार बार एक ही चीज़ को आपने पूछते रहना है अगर समझ भी आ गई है तो, क्योंकि आपने ही काम करना है और आपने ही बनाना है। ये अकाउंट मैंने नहीं बनाने, सिर्फ सिखाना मेरा मकसद है, जो कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ। बाकी ये है कि जैसे ही अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी तो मैं आपकी पेमेंट, जैसे ही मेरी मतलब कि पेमेंट आना स्टार्ट हो गई, वैसे ही मैं आपकी पेमेंट भी देना स्टार्ट कर दूंगी। दूसरी बात ये कि ये इतनी जल्दी मतलब अकाउंट जैसे ही ग्रो करेंगे, जैसे अकाउंट के ऊपर ट्रैफिक है, जैसे ये अकाउंट है, ये मेरा प्रीवियस अकाउंट है, ठीक है, ये मैंने नेल्स के नाम से बनाया था। आपने जो है नीच रेलिवेंट हो जाना है, आपने नीच रेलिवेंट हो जाना है कि आपने किसके ऊपर, ये देखे 7.2K मंथली व्यूज़ हैं, 1 फॉलोअर्स हैं, और मैंने इसके ऊपर ये पिन्स लगाना स्टार्ट कर दी थी। तो बीच में मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, जिसकी वजह से मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकी थी, और आपके लिए भी वीडियो अब बना रही हूँ, ठीक है। फर्स्टली क्या करना है, आपने इसको सेव कर लेना है, क्योंकि फिर मैंने आपसे ये कहा था कि जो मैंने आपको यहाँ पे पिंटरेस्ट जीमेल मैंने देनी है, ये मैं आपको शीट दूँगी, और आप जो भी ईमेल बनाएंगी आपने इसके ऊपर उसको सेव करना है। लाइक अगर ये मेरा है, मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे फायज़ा के नाम से मैंने शीट बनाई होगी, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगी और मैं उस शीट के अंदर उसको पेस्ट कर दूँगी, ताकि जब शीट मेरे पास हो, मुझे पता हो कौन कितना काम कर रहा है, तो आइडिया हो मुझे कौन कितना काम कर रहा है और कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस वजह से मैंने सबके अकाउंट को डेली चेक करना है जो करेगा, ठीक है। और इतनी जल्दी मुझसे पेमेंट की उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि ये पिंटरेस्ट है, आपके अकाउंट को ग्रो करने में ही 2 से 3 माह लग जाएंगे, और अगर अकाउंट आपके मिलियंस भी हो जाएंगे तो फिर आपकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी। जितने उसके ऊपर क्लिक्स आएंगे उस पेज पे आपकी अर्निंग होगी। और सिंपली इसको सेव कर लें, और ऑनलाइन मतलब कोई इसमें से कोई भी आपने सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद आपने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट के बाद आपने बिजनेस नेम क्या लिखना, अगर आपने होम डेकोरेशन पर बनाना है ना, तो होम डिकोर कर लें। अगर आपने करना है कार्ड्स पे करना है ना, तो या सेलेब्रिटी पे करना है, सेलेब
सेलेब्रिटी, ठीक है, सेलेब्रिटी कर दिया। और यहाँ पाकिस्तान नहीं करना, ये याद रखना आपने, यहाँ पे यूएसए करना है, यहाँ पे आपने पाकिस्तान नहीं रखना, यहाँ पे आपने यूनाइटेड स्टेट कर देना है, ठीक है। यूके भी कर सकते हैं, हमारी कोई वेबसाइट नहीं है इस वजह से हम आई डोंट उसके ऊपर करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अगेन ये गोल उसको बता देना है, कुछ भी फैशन पे करना है, क्योंकि मैंने अभी किसी भी इसके साथ चले जाएं, ठीक है, मतलब इसको रैंडमली कर देना है कोई भी। ये आपका अकाउंट बन गया, और बनने के बाद आपने सिर्फ इमेजेस लगानी है। मैं आपको पूरा तरीका सही तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि बार बार मुझे ये ना कहे कि मुझे समझ नहीं आ रही। टैंप ईमेल से आपने ये देखे, आपके सामने ही मैंने अकाउंट बनाया। अगर एक ईमेल ना लगे तो आपने इसको रिफ्रेश कर लेना है, ईमेल चेंज हो जाएगी, आपने वही ईमेल उठा के वहाँ पेस्ट कर देनी है, ठीक है। और फर्स्टली ये सेलिब्रिटी के नाम से मैंने बनाया, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑल करके ना, ऑल पिंस करके यहाँ पे लिखूँगी सेलिब्रिटी। तो सेलिब्रिटी के नाम से ना, ये है सेलिब्रिटी स्टाइल, ये कर लिया। किसी भी एक अकाउंट को आपने मुसलसल फॉलो करना है, जैसे ये है, किसी भी की भी प्रोफाइल्स ले लो, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ की ना आगे प्रोफाइल्स आ जाएंगी, तो आपने उसको देखना है जिसकी ये देखें मिलियंस में है, ये मिलियंस वाली, ये देखने, ये है मिलियंस में और ये मिलियन में है, जो मिलियंस में आपको नज़र आ रही है ना, आपने वो वाली ले लेनी है। जैसे कि ये है ये वाली, इसको फॉलो कर लिया और इसी को ही ओपन कर लिया। सेम एज इट इज़ इसको कॉपी कर लेना है, एज इट इज़ कॉपी कर लेना है, ठीक है। इसको यहाँ से इसका नाम ले लिया और यहाँ पे इसको, यहाँ पे एडिट वाला पेज अगले ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। आपने यहाँ पे इसको एडिट करना है, एडिट करना है प्रोफाइल को, एडिट पर जाएंगे, अच्छा ये आपने इसको कर लिया और यहाँ पे यही नाम रहने दें, ठीक है। आगे हम लोग ना उसको ज़रा कॉपी कर लेते हैं, हार्पर बाज़ार, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ये लिख देते हैं। अगर एज इट इज़ भी कॉपी करेंगे ना तो कुछ भी नहीं होना, मतलब हार्पर बाज़ार से आप इसको कर लें, एज इट इज़ कॉपी करना था वो मैंने आपको बता दिया। और इमेजेस ना मतलब सेम उसका लोगो नहीं यूज़ करते, हम कोई और लोगो यूज़ कर लेते, जैसे ये है, तो इसको आप कॉपी करें, अलाओ, इसको कॉपी करके ना आपने इसको सेव करके रख लेना है अपने सिस्टम में, ताकि इजीली आप इसको जो है वो कर लें। सेलिब्रिटी सारा ना लिखें, टाइम नहीं है। अच्छा इसको सिंपली क्या करना है, इसको ये लॉगो में जाकर अगर ये करना है ये कर लें, वरना कोई और भी हम सेव कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी कोई नहीं है, यूज़र नेम मैंने सेलिब्रिटी करना है, सी कैपिटल ई एल ई बी आर आई टी वाई, ठीक है, सेलिब्रिटी। और इसके अलावा अगर हार्पर बाज़ार है, इस तरह ये शिफ्ट और ये ब्रैकेट के साथ का है, इसको प्रेस करेंगे बटन को तो ये आ जाएगा। और फिर इसी को उठा, मतलब यहाँ से ना फॉर्म पेरिस विद लव, तो यहाँ ये नहीं करेंगे हम, हार्पर बाज़ार ही कर लेंगे, जैसे ये है हार्पर बाज़ार, सॉरी